Hello ladies and gentlemen, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have Parth with us, Maharashtra se hai. So hi Parth. Hello sir. Parth, why did you choose Merchant Navy as a career option? Sir, the first time when I heard the term Merchant Navy, it was in my class 8th. It was the first day of our academic year. So no one was interested in study. So our class teacher, he decided to give us a career guiding session. In which complete 1 hour, he told us about Merchant Navy. Okay. So I found it fascinating there. I started researching about it, and later I even told my parents, and they even supported me in this decision of joining Merchant Navy. The main things of which attracted me was we get financial independence at a very young age. Also, the respect I have seen my father working, and the respect which he has earned, I can earn that respect at a really young age. Great. Apart yes. from that, sir, in this field, we get the chance to meet people of new different nationalities, and also we get a chance to live in an environment which is least polluted. Perfect. So Parth, you said that your parents also supported, right? Yes. So काफी सारे students हैं and even parents हैं जो watch करते हैं video, जिन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम अगर बहुत दूर से हैं तो as a parent they feel हमारा बच्चा safe रहेगा या क्या रहेगा. तो आपने अपने parents को कैसे motivate किया for that कि मेरे को Merchant Navy में जाना है, वो share करो एक बारी. सर पहले तो वो ये कहते थे कि तुझे नहीं पता कुछ, क्योंकि मैं तब 8th या 9th में था. Okay. फिर मैं कहता था नहीं यही है. तो उन्हें ऐसा था कि नहीं, मुझे ऐसे आदमी से मिलना जो इस फील्ड में ऑलरेडी है. तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो थर्ड ऑफिसर थे उस टाइम, ही वॉज इन एंग्लो ओनली. तो उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे उनका सेशन चला आधे एक घंटे का. उसमें जब मैंने जो सारी चीज़ें बोली थी उन्हें, जब सेम मोस्टली 80-90% उन्होंने भी वही बोला, तो उन्हें लगा कि हाँ इसे नॉलेज है. तो उन्होंने बस वहाँ जाने के बाद ये पूछा कि एडवांटेजेस तो नहीं पूछा, उन्होंने कहा डिसएडवांटेजेस क्या है इस फील्ड में, मतलब क्या है जो रिस्की है. तो उन्होंने सब कुछ बताया कि फैमिली से अवेयर रहना पड़ता है, और मतलब सोशल लाइफ कट हो जाती है. सोशल लाइफ कट जाती है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क है. बस वही था. तो मैंने उन्हें थोड़ा समझाया कि यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मर्चेंट नेवी में रह के भी मैं उन्हें ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, क्योंकि जब 6 महीने में घर जाऊंगा तो सारा टाइम उनका ही है. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट सर. तो उनका बस ऐसा था कि माइंडसेट, और वो धीरे बिल्डअप होते होते फिर वो मान ही गए इवेंचुअली. चलो दैट्स ग्रेट, पेरेंट्स भी मान गए, आपने भी. कितना टाइम हो गया एकेडमी में पार्थ आपको? सर अभी 7-8 महीने. 7-8 महीने. ओके, तो बेस्ट टीचर कौन है आपका? सर बेस्ट तो सभी है, पर आई थिंक सपना मैम, उनकी मैथ्स मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है. ओके ग्रेट. तो जब आप इनिशियली ज्वाइन किए थे तो देन आपको लगता है कि आपका मैथ्स में थोड़ा सा पार्ट वीक था, जो सपना मैम के थ्रू आपने रिकवर करा उस चीज़? हाँ सर, क्योंकि देखो बोर्ड लेवल की मैथ्स तो मुझे पहले से आती थी, और यूट्यूब पे भी अगर आप जाओगे तो जेईई या नीट उस लेवल का मिलेगा. हमें एक बेसिक उसके बीच में चाहिए. yes, जो कि यहाँ पर परफेक्ट है, वो बीच का लेवल आ जाता है. ग्रेट. और मैं पहले से भी बोलता आता हूँ कि बेसिक्स जब तक आपके स्ट्रांग नहीं है तब तक आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं. yes, तो जब बेसिक्स आपके बहुत क्लियर है तो आप इजीली काफी सारी चीजें आगे लाइफ में इंक्रीज कर सकते हो, राइट? और जाते जाते जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, JMDI एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? सर उनको तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेल्फ बिलीव है तो आप घर से भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि नहीं मुझे थोड़ी ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस देती है सर JMDI की. हाँ हम इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, तो सिलेक्शन मतलब अगर हम खुद से भी नहीं करेंगे तो हमारे पीछे लोग हैं, वो लग के करवा ही देंगे सिलेक्शन. तो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है बस. चलो दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच पार्थ. थैंक यू एवरीवन.